हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। मैं पैनासोनिक पुणे ब्रांच से। आज हम बात करेंगे पैनासोनिक के बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि न्यूली लॉन्च फ्रीजर है, फ्रिज है जो आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इन्वर्टर एंड AI इकोनॉमी के बारे में। तो बेसिकली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है क्या? इन्वर्टर एक हमारा 6 स्पीड कंप्रेसर है, जो कि एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, एक वेरिएबल स्पीड पर चलता है। एंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन से आपने कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है एंड आपके फ्रीजर के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर एक कूलिंग को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि आपको 49% तक का सेविंग मिलता है। हम बात करेंगे AI इकोनॉमी के बारे में। AI इकोनॉमी जो है, ये एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो सेंस करेगा, सेल्फ एडजस्ट करेगा एंड आपको सेविंग करके देगा। तो इसमें टोटल 3 सेंसर आते हैं। एक आता है आपका डोर सेंसर। डोर सेंसर क्या काम करता है? तो ये आपके डोर की फ्रीक्वेंसी को, कि कौन से टाइम पे फ्रिज का यूज ज्यादा हो रहा है, कब फ्रिज का डोर ज्यादा टाइम ओपन हो रहा है, कब ओपन नहीं हो रहा है, इसको वो सेंस करता है। सेकंड, इंटरनल टेम्परेचर सेंसर, जो कि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो आपने सामान स्टोर करके रखा हुआ है, वो किस टाइप का आपने सामान स्टोर किया, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर सेट किया है वो एक अलग टेम्परेचर है, बट जब हम फ्रिज के अंदर कुछ सामान स्टोर करते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं, तो वो मेंटेन करना भी काफी जरूरी होता है। थर्ड, जो हमारा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, जहाँ पे आपने फ्रिज को रखा है, चाहे वो आपने किचन एरिया में रखा हो, या लिविंग में रखा हो, या डाइनिंग एरिया में रखा हो, जहाँ पर भी रखा है, वहाँ पे लाइट्स आ रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, सराउंडिंग कैसा है, वहाँ पर क्या टेम्परेचर बिल्ड हो रहा है, वो सबको भी वो सेंस करता है। तो ये तीनों सेंसर को वो सेंस करता है एंड कस्टमर का जो 21 डेज का जो पैटर्न है, जो उसका यूजेज पैटर्न है, उसको एनालाइज करके इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्रेसर को कमांड देता है एंड अकॉर्डिंग टू यूज वो अपने कंप्रेसर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है एंड आपके फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन रखता है, जिसके आपको हेल्प मिलती है एडिशनल 10% तक की, और वो एनर्जी सेविंग करके देता है। तो इन टोटल इन्वर्टर जो है आपका 49% सेविंग करता है एंड इकोनॉमी जो है वो आपका 10% सेविंग करता है। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपकी अप टू 59% तक की सेविंग होती है। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा कन्वर्टेबल फ्रिज है, तो हम इसे 6-in-1 कन्वर्टेबल बोलते हैं। सबसे पहला 6-in-1 मतलब इसमें 6 अलग अलग मोड्स दिए हैं। पहला मोड फ्रिज और फ्रीजर, जो नॉर्मली फ्रिज में होता है। सेकंड, हम हमारे फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्यों? इंडियन मार्केट में या हमारे इंडिया में फ्रीजर का यूज़ काफ़ी कम होता है। अगर समर सीजन छोड़ दे तो हम फ्रीजर का यूज़ काफ़ी कम करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें फ्रीजर सेक्शन को हम फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 45 मिनट्स लगेगा। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक कंप्लीट फ्रिज सेक्शन मिल जाता है, एक एडिशनल कंपार्टमेंट मिल जाता है डेली यूज़ के लिए। सेकंड, इसमें हमने 4 एडिशनल मोड्स दिए हैं, जिसे हम लोग प्राइम कन्वर्टेबल मोड्स बोलते हैं, जो टाइम सेविंग मोड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टा कुक मोड की। इंस्टा कुक ये वर्ड नहीं, उसका मीनिंग है इंस्टेंटली कुक होना। तो जो भी फ्रोजन फूड्स है, हमें उसे इंस्टेंटली कुक करना है विदाउट एनी डिफ्रॉस्टिंग, तो उसके लिए हमने ये फीचर बनाया है। बहुत ही सिंपल है। फ्रिज में हमारे यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइम कन्वर्टेबल का एक बटन है एंड नीचे में चार्ट दिया हुआ है। वो प्राइम कन्वर्टेबल का बटन आपको प्रेस करना है एंड जो नंबर पे आपका इंस्टा कुक मोड है, वो नंबर जैसे ही स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है आपको वो छोड़ देना है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी आप फ्रोजन फूड मार्केट से परचेस करते हो, चाहे वो फिर मटर हो, मक्खन हो, या आजकल लोग फिश, चिकन, मीट, ये सब भी स्टोर करके रखते हैं फ्रीजर सेक्शंस में, तो आप सेम मटेरियल इसमें स्टोर करके इंस्टा कुक मोड को एक्टिवेट करिए। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये आपको एक तो 7 दिन तक आपके फूड को फ्रेश रखेगा एज इट इज़, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी टेस्ट, उसके जूसीनेस को, उसके फ्लेवर को वो मेंटेन करके रखता है एंड इसमें आपको डिफ्रॉस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको तुरंत निकाल के बना के खा सकते हो, रेडी टू कुक हम इसे बोल सकते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे प्रो मैरिनेट मोड की। प्रो मैरिनेट, मैरिनेशन मतलब जो सोया चाप होता है, पनीर टिक्का होता है, चिकन टिक्का है, या बिरयानी है, तंदूरी चिकन है, जो भी मैरिनेशन की प्रोसेस है, एज पर मार्केट सर्वे हम ऐसा माना जाता है कि अगर नॉनवेज फूड आइटम को मैरिनेट करना है तो हमें 5 से 6 घंटे प्रॉपर मैरिनेशन की ज़रूरत होती है, तभी उसमें वो फ्लेवर, वो जूसीनेस डेवलप हो पाती है। बट हमारे ये फ्रिज के अंदर अगर आप कोई भी नॉनवेज फूड आइटम को मैरिनेट करके रखते हो तो वो सिर्फ आपको 2 घंटे के अंदर प्रॉपर मैरिनेशन करके देता है। अगेन, इसमें आपके ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स आप इसमें सेव कर सकते हो। थर्ड, मैं बात करूंगा टिफिन फ्रेश मोड की। टिफिन फ्रेश मोड आपके खाने को 6 दिन तक का फ्रेश रखता है। जो हमने घर पे खाना बनाया हुआ है, जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो कुछ बच गया है, ऐसे फूड आइटम्स को हम ना फेंकते हुए
हम उसको एक एयरटाइट कंटेनर में पैक करके हमारे फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे हम लोग 6 दिन तक के गर्म करके खा सकते हैं। या कोई फैमिली है जिनका मॉर्निंग शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, उनको डेली ब्रेकफास्ट बनाने के लिए समय नहीं है, तो एट अ टाइम हमने बल्क में बना लिया एंड हमने स्टोर करके टिफिन फ्रेश मोड में उसको डाल दिया एंड डेली मॉर्निंग में हमने निकाल उसको गर्म करके खा लिया। तो ये 6 दिन तक के आपके फूड को फ्रेश रखता है। लास्ट हम बात करेंगे प्रोचिल मोड की। प्रोचिल मतलब अल्ट्रा चिल्ड। कुछ भी बेवरेजेस लाइक स्मूदीज, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी लाइक शेक, शिकंजी, ऐसे जो भी बेवरेजेस होते हैं, हम इसे फ्रीजर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्रीजर में हम इसे स्टोर करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे, वो बर्फ बन जाएगा। अगर हम नॉर्मल फ्रिज में उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके कंसिस्टेंसी में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ऐसे बेवरेजेस को हम प्रोचिल मोड में रख के हमारे फ्रीजर में रखेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर्स, 48 आवर्स तक के ये एज इट इज आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको अल्ट्रा चिल्ड बनाएगा और आपको रेडी टू सर्व आपको ये मिलेगा। साथ ही में इसकी एक और खास बात है कि इसे हम लोग मल्टी मोड या मल्टी फंक्शनल इसको बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये चारों मोड्स हमारे फ्रीजर में यूज कर सकते हो। साथ ही में हमारे ये फ्रीजर की खासियत है कि हम ये सारे मोड्स फ्रीजर के अलावा हमने एक कंपार्टमेंट दिया है जिसको हम लोग प्राइम फ्रेश कंपार्टमेंट बोलते हैं। आप इसमें भी वो सारे मोड्स को यूज कर सकते हो। अगर एट ए टाइम मुझे दो मोड यूज करने हैं तो मैं एक मोड मेरे फ्रीजर में यूज करूंगा एंड नेक्स्ट मोड में आपको इसके प्राइम फ्रेश में एक्टिवेट करूंगा। अब ये दोनों मोड में एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये चार्ट में आपको एक बटन है, एक प्राइम कन्वर्टिबल का बटन है एंड एक प्राइम फ्रेश का बटन है। जो बटन में प्रेस करूंगा प्राइम फ्रेश के लिए आपको ये सेक्शन यूज होगा एंड प्राइम कन्वर्टिबल में आपका ये सेक्शन यूज है। तो ये है दोस्तों हमारा बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर।